Good morning everyone. In this lecture we are going to learn about the study flow process. So study flow process. Flow process means we are talking about open system. Open system. So open system is that type of system in which mass or energy or both can interact with the surroundings. ओपन सिस्टम उस टाइप का सिस्टम होता है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मास का इंटरेक्शन हो सकता है। अब इस सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं। आप इसको लैग्रांजियन अप्रोच से भी स्टडी कर सकते हो, लैग्रांजियन अप्रोच। सेकंड, वी कैन यूज यूलर्स अप्रोच। Euler's approach. So Lagrangian approach में हम mainly focus करते हैं certain quantity of fluid पे। हम देखते हैं कि कुछ quantity of fluid को हम focus करते हैं कि उनका flow किस type का हो रहा है, वो किस path को follow कर रहे हैं, different different time पे different different properties क्या है। Euler's approach के लिए हम use करते हैं certain fixed region को, और उसी रीजन को हम कंट्रोल वॉल्यूम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। दैट मींस यूलर्स अप्रोच में जो भी आपका डिवाइस है, सपोज टर्बाइन है, कंप्रेसर है, तो उस सिस्टम के अंदर आप पहले एक अपना रीजन डिसाइड करोगे कि ये मेरा रीजन है। सपोज कोई सिस्टम है उसका आपने ये रीजन फिक्स कर लिया है कि मुझे इस रीजन के अंदर मुझे स्टडी करनी है। इस रीजन, कंप्लीट रीजन को आप क्या बुलाओगे? दिस कंप्लीट रीजन विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम। दिस विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम। आप इसको अनदर एग्जांपल दे सकते हो। सपोज आपका कोई कंप्रेसर है, आप पर कोई इनपुट है, कुछ आउटपुट है, तो आपने डिसाइड किया है मुझे इस रीजन स्पेस में, इस रीजन की मुझे स्टडी करनी है, तो आप इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है सभी की स्टडी करोगे। उस टाइप के अप्रोच को ये व्हीलर्स अप्रोच बुलाते हैं, और इस रीजन को कंट्रोल वॉल्यूम बुलाते हैं, और जो डॉटेड में हमने लाइन शो की है दैट इज कॉल्ड एज, जो हमारी बाउंड्री है उसे कंट्रोल सरफेस बुलाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सरफेस। So, अभी तक हमने देखा कि ओपन सिस्टम का मतलब है जहां पर एनर्जी और मास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओपन सिस्टम की स्टडी करने के लिए या इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। वन लैग्रांजियन अप्रोच होता है, सेकंड यूलर्स अप्रोच होता है। लैग्रांजियन अप्रोच में हम फ्लूड को फोकस करते हैं कि फ्लूड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूड की फ्लो कैसा हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, उनका फ्लो का पाथ क्या है, तो सारी चीजें हम फ्लूड को फोकस करके हम स्टडी करते हैं। यूलर्स अप्रोच में हम किसी रीजन को फोकस करते हैं। हमारा यहाँ पर फ्लूड पे फोकस नहीं होता, रीजन पे फोकस होता है। उस रीजन को हम बुलाते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम की जो बाउंड्रीज होती है उनको बुलाते हैं कंट्रोल सरफेस। सो नाउ द स्टडी फ्लो प्रोसेस। स्टडी फ्लो प्रोसेस, flow process means, that means we are talking about open system. Study means, what do you mean by the study? Study means where the rate of flow of mass and energy across the control surface are constant. That means such type of system where mass flow rate and energy flow rate, is constant. Suppose you are having a system, कोई आपका system है, suppose turbine is there, कोई system है आपका, ये आपने क्या assume किया है, suppose this is your control volume. So अगर कोई process study flow process है तो उसकी conditions क्या है? First condition ये है कि जो mass flow rate enter कर रहा है उसी वही mass flow rate आपका exit पे भी होगा। That means there is no accumulation of mass.
दैट इज फर्स्ट कंडीशन फॉर द स्टडी फ्लो प्रोसेस. सेकंड, देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी एज वेल. एनर्जी का भी कोई एक्युमुलेशन नहीं होता. जो एनर्जी आपकी इनपुट पे होती है वही आपकी एग्जिट पे भी होती है. दैट मीन दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ फ्लो प्रोसेस टू बिकम स्टडी. स्टडी मीन्स कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, जो भी प्रॉपर्टीज है आपकी, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू फिक्स होती है किसी टाइम पर. सपोज कि इसी एग्जांपल हम लेते हैं कि मैंने टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैंने कुछ वैल्यूज ली. सपोज मैंने प्रॉपर्टीज प्रेशर की वैल्यू ली या टेम्परेचर की, वट एवर, तो आप देखोगे कि ये उसी पॉइंट पर अगर मैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी देता हूँ, वो वैल्यू चेक करता हूँ, तो वो वैल्यू सेम हो. सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, देन अगेन दिस विल बी एक्स एंड टी इक्वल टू वाई. दैट मीन्स स्टडी फ्लो प्रोसेस में टाइम के साथ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है. दैट मीन द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल नॉट चेंज. एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सपोज इट मे बी प्रेशर, इट मे बी टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल्सो कंडीशन फॉर स्टडी प्रोसेस. दैट मीन्स स्टडी स्टेट, जहां पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है. सपोज अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपके पास, अगेन कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं कि प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट रीजन पर. यहाँ पर कुछ और वैल्यूज है, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज है, यहाँ पर कुछ और. सपोज यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3 है. आपका रीजन में डिफरेंट हो सकती है, बट आपका टाइम के साथ, अगर यहाँ पर P1 है इस पॉइंट पर, तो आप चाहे T=T1 टाइम पर चेक कीजिए या T2 टाइम पर चेक कीजिए, किसी भी टाइम पर आप चेक कीजिए, आपका प्रेशर इस पॉइंट पर P1 ही मिलेगा. इस पॉइंट पर P2 है तो किसी भी टाइम आप चेक कीजिए, आपका प्रेशर की वैल्यू P2 ही रहेगी. सेम अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो भी सेम हो. दैट मीन्स कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर उसकी वैल्यू फिक्स होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है वैल्यू, बट टाइम के साथ किसी एक लोकेशन पे उसकी एक ही वैल्यू आपको मिलेगी. दिस इज ऑल्सो कंडीशन फॉर स्टडी स्टेट ऑफ सिस्टम. दैट मीन्स स्टडी स्टेट में आपने क्या देखा भी, यहाँ पे मास फ्लो रेट आपका कांस्टेंट होता है, एनर्जी फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, एज वेल एज योर टाइम, योर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल नॉट चेंज. दैट मींस द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी लोकेशन, एनी पर्टिकुलर लोकेशन इज ऑलवेज सेम, वो कभी चेंज नहीं होती है. तो स्टडी स्टेट में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें देखेंगे मास बैलेंस को, हम मास बैलेंस इक्वेशन निकालेंगे. सेकंड हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन निकालेंगे. एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को ही हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में बुलाएंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. तो इस लेक्चर में हमने देखा कि स्टडी स्टेट का मतलब है कोई भी फ्लो प्रोसेस है वो स्टडी तभी हो सकती है जब उसमें मास फ्लो रेट आपका कॉन्स्टेंट रहे, एनर्जी फ्लो रेट कॉन्स्टेंट रहे, और जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे. सो थैंक यू.